दोस्तों आप सभी लोगों का वेलकम है फिर से एक बार अपने स्टडी चैनल में फैक्ट सिटी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ठीक है, और भी चलती क्यों ना, एग्जाम भी आपके पास में आ रहा है। तो करंट अफेयर की क्लास है, आप सभी जानते हो, तो भी हो जाइए तैयार, ठीक है, नोट्स निकाल लीजिए। मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से पिछला क्वेश्चन छोड़ा था। लास्ट क्वेश्चन चेक के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा कि उर्दू भाषा का सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ हुआ, उर्दू भाषा का सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ हुआ, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था, मैंने लास्ट क्वेश्चन करा दिया था, वहां से आगे क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, आप लिखना चालू कर दीजिए जी। चलो जी, नेक्स्ट हेड लगा दीजिए और लिखिए जी, आपको लिखना है कि केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस, केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा, ठीक है, यानी केरल सरकार ने अभी एक पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, जिसमें प्रतीक्षा, प्रत्याशा और करुणा, ठीक है, प्रत्याशा और आपका करुणा इन तीनों नामों से समुद्री सेवा शुरू की है, ठीक है, अभी सेवा शुरू की है, वो भी कौन सी, एम्बुलेंस सेवा। मैं फिर बता दूं क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए हाल ही में किस सरकार ने अपने यहाँ समुद्री सेवा की शुरुआत की है। याद रखना केरल सरकार ने समुद्री सेवा की शुरुआत की है, और प्रतीक्षा, प्रत्याशा, करुणा ये समुद्री एम्बुलेंस के नाम है। बात करते हैं केरल की, तो भी केरल के आपको पता है, ठीक है, केरल के राज्यपाल, ठीक है, आपको पता है आरिफ खान, केरल के राज्यपाल आरिफ खान हो गए, और सीएम पिनरई विजयन हो गए, ठीक है भाई, और राजधानी केरल की क्या होगी भाई, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। याद रखना भाई ये बात केरल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भाई, आगे चलते हैं जी, ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि 51वां FTT, ठीक है, फिल्म टेलीविजन टेक्नोलॉजी, यानी 51वां फिल्म इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ मनाया जाएगा, ठीक है, याद रखा 51वां, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो मनाया जाएगा वह गोवा में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा जी, गोवा में मनाया जाएगा आपका, ठीक है, गोवा में 51वां, ठीक है, क्वेश्चन बन सर 51वां फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनेगा, फिल्म त्यौहार आपका गोवा में मनाया जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल आप इसको याद रखना भी। अब गोवा के राज्यपाल आपको पता है, नहीं पता तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, याद रखना भी, ठीक है, दो पॉइंट हो गए भी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप हैज लगा लीजिए, जो मेन मेन पॉइंट है उनको लिखवाने चालू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका एस सी ओ, ठीक है, तो भी लिखना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोष्टक में इसका फुल फॉर्म लिख लेना। आगे बोला है कि इसकी बैठक कहाँ होगी, ठीक है भाई, इसकी जो बैठक होगी वो भी रूस में होगी, कहाँ होगी, रूस में, SCO यानी संघाई कोऑपरेशन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, याद रखना भी उसकी बैठक कहाँ होगी, उसकी बैठक, ठीक है, अभी हुई है ये आपकी, कहाँ हुई है, रूस में हुई है अभी, ठीक है भाई, SCO की बैठक पूछा जा सकता है, SCO की बैठक कहाँ हुई है, SCO की बैठक कहाँ हुई है, कहाँ हुई है अभी, रूस में। SCO के बारे में बात कर लेते थोड़ा, SCO
खाड़ी देशों का समूह है, एक एससीओ एक खाड़ी देशों का समूह है जिसका पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भाई बीजिंग में है। कहाँ है जी? बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। स्थापना इसकी 2001 में हुई है, स्थापना 2001 में हुई है। और याद रखना, भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान, इसके सदस्य 2017 में बने थे भाई। कब बने थे? 2017 में। आज इसमें जो टोटल सदस्य हैं वो इसमें 8 सदस्य हैं, टोटल सदस्य 8 हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में हुई है, 2008 इसमें सदस्य हैं, भारत 2017 में शामिल हुआ। अभी कहाँ बैठक हुई है इसकी? रूस में हुई है, रूस की कैपिटल मॉस्को, ठीक है, याद है, वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन साहब हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो जी आगे चलते हैं जी, ठीक है, लिख लीजिए जी, आगे लिखो डी आर डी ओ ने तैयार किया है, क्या तैयार किया है? RUSTAM, रुस्तम 2। हाल ही में DRDO ने तैयार किया है रुस्तम 2, जो कि एक ड्रोन है, जो कि एक ड्रोन है, ठीक है भाई। रुस्तम 2 क्या है? रुस्तम 2 एक ड्रोन है। किसने तैयार करा है? DRDO ने, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि चर्चित रहा रुस्तम 2 क्या था? एक सॉफ्टवेयर, एक सैन्य अभ्यास, ठीक है, एक सम्मेलन या एक ड्रोन। याद रखना रुस्तम 2 एक ड्रोन है, ठीक है, DRDO ने तैयार करा है, ठीक है। अब नीचे डार्क सर्कल में थोड़ा लिखिए जरा इसके बारे में, ठीक है, लिखो DRDO का फुल फॉर्म, ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भी लिखने का टाइम लगेगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल। स्थापना 1958 में हुई है इसकी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। का हेडक्वार्टर भाई मेरे? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश। इसके अध्यक्ष कौन है भाई? सतीश रेड्डी हैं, सतीश रेड्डी है, याद रखना भाई। एक और संस्था है अपनी इसरो, ठीक है, इसरो, इसरो 69 बंगलौर, ठीक है, इसरो 69 बंगलौर, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 69 में स्थापना हुई, 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अध्यक्ष कौन है इसरो के? के सिवान। अध्यक्ष कौन है इसरो के? के सिवान, बिल्कुल जी। आगे चलते हैं जी अब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी, अगला क्वेश्चन लगाइए अभी आप, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिडे, फिडे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, सिर्फ FIDE लिखो, फिडे, ठीक है, फिडे शतरंज, फिडे शतरंज ओलंपियाड, फिडे शतरंज ओलंपियाड, ठीक है, फिडे शतरंज ओलंपियाड, ठीक है, फिडे शतरंज ओलंपियाड, भारत, भारत ने रूस की सहायता से, भारत ने रूस की सहायता से अपने नाम गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, फिडे शतरंज ओलंपियाड, भारत ने रूस की सहायता से अपने नाम गोल्ड मेडल जीता। याद रखना भी, अभी एक फिडे शतरंज ओलंपियाड हुई थी, विश्व आनंद हमारे जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, कहाँ हुई थी मैं आपको बता दूँ, वर्चुअली थी, रूस के साथ मिलकर भारत ने इसमें गोल्ड जीता था भाई, रूस के साथ मिलकर भारत ने इसने गोल्ड जीता था, क्लियर। अभी आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि भारत में, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि भारत में, आपको पता है कि असम में बाईचुंग भाटिया के नाम से एक फुटबॉल स्टेडियम खोला जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला फुटबॉल क्लब, ठीक है, देश का पहला फुटबॉल क्लब, लिख लो, देश का पहला फुटबॉल क्लब, ठीक है, लखनऊ में बनाया जाएगा,
देश का पहला फुटबॉल क्लब लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है भाई, लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा डियर? लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है, चलो जी इसको हटा देते हैं, आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। भाई मैं आपको बता दूं, वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो जरूरी है। ठीक है, जो जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि करंट अफेयर में आपको कुछ भी पढ़ाता चलूं, सिर्फ जो जरूरी है वही क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन है, भारत के जाने माने एथलीट कोच पुरुषोत्तम। ठीक है, याद रखना भाई, पुरुषोत्तम भारत के जाने माने ठीक है, एथलीट कोच। भाई मैं लिखने से ज्यादा बोलने भरोसा करता हूँ, भारत के जाने माने एथलीट कोच। ठीक है, पुरुषोत्तम का निधन। ठीक है, हाल ही में जो भारत के कोच थे जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या था? ठीक है, याद रखना, क्या नाम है? भी पुरुषोत्तम। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, अगला हैज लगा लीजिए आप, अगला हैज लिख लीजिए। अगले हैज में लिखो, केरल में स्थापित होगा देश का पहला, केरल में स्थापित होगा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित होगा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, IWTC मतलब इंटरनेशनल वीमेन ट्रेड सेंटर। बताइए भारत का पहला महिला ट्रेड सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? ठीक है, याद रखना केरल में खोला जा रहा है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट चलते हैं भाई, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं अब। ठीक है, गुजरात लिखो जी, गुजरात। ठीक है, आपको लिखना क्या है मैं बोल दूं, लिखो, पहली बार गुजरात में शुरू होने जा रही है समुद्री एरोप्लेन सेवा मतलब सी प्लेन सेवा। ठीक है, पहली बार गुजरात में शुरू होने जा रही है सी प्लेन सेवा। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारत के किस राज्य में समुद्री प्लेन सेवा की शुरुआत हो चुकी है? वह राज्य है आपका गुजरात। गुजरात के सीएम बता दूं तो गुजरात के सीएम आपका विजय रूपानी है। ठीक है, और भाई गुजरात के राज्यपाल बताइए भी कौन है। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल, याद रखना भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने, गुजरात के राज्यपाल कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ठीक है, चलो भाई, भारत के तेरहवें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में निधन। एक बार फिर से बता दूं, भारत के तेरहवें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का, ठीक है, 84 वर्ष की आयु में निधन। क्लियर है भाई? आप याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कौन से राष्ट्रपति थे? तेरहवें राष्ट्रपति थे। ठीक है भाई, कितने साल तक जिए? 84 साल तक जिए। ठीक है भाई, कारण क्या था दिमाग में? अरे दिमाग में क्लॉटिंग, आप बता दें, इनकी माइंड में क्लॉटिंग की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। क्लॉटिंग मतलब थक्का बनना। ठीक है, थक्का बनने में कौन सा विटामिन, आपको पता है विटामिन के शामिल होता है। ठीक है, तो बन सकता है भी। अच्छा, कहाँ से थे ये? पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल से थे ये। आप इनको इतना याद रखना, अभी राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है, चलो जी अगला पॉइंट लगा लीजिए, हैज लगा लीजिए अगला पॉइंट। ठीक है, काव काज
आपको लिखना है, हैज लगा के लिखना है काव काज 2020, के ए वी काव के ए जेड काव काज 2020, काव काज 2020 लिखो, काव काज 2020 डैश मार के लिखो, डैश मार के लिखो। एक बहुउद्देशीय, एक बहुउद्देशीय, एक बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है, एक बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है जो रूस में होगा, जो रूस में होगा, जिसमें भारत ने जाने से मना कर दिया है, जिसमें भारत ने जाने से मना कर दिया है। ठीक है, याद रखना भी काव काज 2020। ठीक है, एक सैन्य अभ्यास है भारत जो भी रूस में होगा और भारत ने इसमें मना कर दिया है। क्यों? देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि SCO के देश होंगे 8 और वहां पाकिस्तान भी होगा और भारत ने, आपको पता है SCO में पाकिस्तान प्लस चाइना भी है और वहां दोनों देश जाएंगे। और आपको पता है डोकलाम और अब इस पेंगोंग झील को लेकर दोनों मुद्दे ऐसे हैं कि किसी भी लेवल पर भारत और चाइना की यहाँ बनती नहीं है, तो जिस कारण इन्होंने इस कावकाज 2020 से अपने हाथ खींच लिए हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चित रहा कावकाज 2 क्या था? कावकाज 2 एक सैन्य अभ्यास था। ठीक है, भारत ने मना कर दिया, हुआ कहाँ है? हुआ भैया रूस में है। ठीक है, हुआ भैया रूस में है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं जी, अगला हैज लगाइए, अगला हैज लगाइए। ठीक है, अगला हैज आप लिखोगे क्या? देखो अगला हैज लगाइए कि लिखो doing business report। क्वेश्चन, भारत ने, ठीक है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, मैं आपको बता दूं क्या होती है भाई। विश्व बैंक एक ऐसी रिपोर्ट जारी करता है जिसे इजी डूइंग ऑफ बिजनेस बोलते हैं। इससे ये पता लगता है कि पूरे देशों को लेता है, इसमें ये देखिए किस देश में बिजनेस करना कितना इजी है, और जिस देश में बिजनेस करना उतना इजी होता है तो भी और देश उस देश में अपने उद्योग लगाते हैं और उस देश में आर्थिक वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर क्या हुआ है कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर विश्व बैंक ने इस बार रोक लगा दी है, विश्व बैंक ने इस बार रोक लगा दी है कि यह रिपोर्ट अब की बार नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, और जबरदस्ती अपना नाम ऊपर ला रहे हैं। क्वेश्चन, विश्व बैंक की वह रिपोर्ट बताइए जो 2020 में जारी नहीं हुई। आप बोलोगे इजी डूइंग बिजनेस में रिपोर्ट। ठीक है, तो आप लिख लोगे भी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विश्व बैंक ने इसको रोक दिया है 2020 के लिए। ठीक है, विश्व बैंक ने इसको रोक दिया है 2020 के लिए, 2020 के लिए। ठीक है, अब नीचे डार्क सर्किल लगाइए और डार्क सर्किल में आप लिखोगे क्या? अब देखो, चलो जी ऐसे सर्किल बना दिए सबसे पहले, तो ऐसे 2-3। ठीक है, पहला पॉइंट, यह रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है, इस रिपोर्ट को विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट में, 2019 की रिपोर्ट में भारत, 2019 की रिपोर्ट में भारत 63वें स्थान पर रहा। ठीक है, 63वें स्थान पर रहा, तो 2019 की रिपोर्ट में भारत इसमें 63वें स्थान पर रहा, भारत इसमें 63वें स्थान पर रहा। और लगे डार्क नीचे क्या लिखोगे? विश्व बैंक की स्थापना 1944-45, यानी 1944 में ही 45 में कार्य करना शुरू किया अधिक आधिकारिक रूप से। विश्व बैंक की स्थापना ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944, विश्व बैंक की स्थापना, ये माइक बड़ा दिक्कत कर रहा है,
विश्व बैंक की स्थापना 1944-45 में हुई है, ठीक है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? डीसी वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर डीसी वॉशिंगटन में है, ठीक है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष, और लिख लो, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड डेविड मालपास, डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास, डेविड मालपास, ठीक है। अब एक बार सभी को, अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, ठीक है, पांच चीज। पहला, वह रिपोर्ट बताइए जिसको, ठीक है, सबसे पहले तो जिसको विश्व बैंक जारी करता है, इज इट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब की बार कौन सी रिपोर्ट थी जो भारत ने, विश्व ने रोक दी है, विश्व बैंक ने, इज इट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस कारण रोकी? कुछ देश मनमानी की वजह से, ठीक है जी। 2019 में इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा, ठीक है, भारत इसमें 63वें स्थान पर रहा, ठीक है जी। विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई भैया? 1944-45 में हुई, 1945 मानी जाएगी वैसे, ठीक है, क्योंकि आधिकारिक रूप से, ठीक है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? डीसी वॉशिंगटन अमेरिका में, ठीक है जी। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, डेविड मालपास है। क्लियर, अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, इसको हटा देता हूँ, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं जी, ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, नेक्स्ट लगाइए आप। WHO ने, लिख लो भी, अब आप लिखो, WHO ने नाइजीरिया देश को किया पोलियो मुक्त। WHO ने नाइजीरिया देश को, नाइजीरिया देश को किया पोलियो मुक्त। WHO ने नाइजीरिया देश को किया पोलियो मुक्त, ठीक है। पोलियो फ्री कंट्री हो गया अभी, ठीक है। कौन हो गया पोलियो फ्री कंट्री? ठीक है, ये आपका नाइजीरिया, क्वेश्चन बन सकता है WHO, ठीक है। चलो जी नीचे फिर से, अब तीन डार्क सर्कल लिखिए। WHO मतलब वर्ल्ड, ठीक है, WRLD वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फुल फॉर्म होगी, ठीक है जी। स्थापना, WHO की स्थापना 1948, WHO की स्थापना 1948 में हुई, ठीक है जी। WHO के अध्यक्ष, अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई, भाई इनके नाम, अध्यक्ष का थोड़ा सा नाम बड़ा सा है भाई, ठीक है, नाम मैंने तो अदोरगेन कर रखा, अदोरगेन, ठीक है, गैबोस, अदोरगेन द गैबोस को, नाम तो बड़ा है लेकिन मैंने शॉर्ट में, ठीक है, एदो गर्दन करके कुछ, ठीक है, अदोरगेन गैबोस, ठीक है जी। WHO, अच्छा जी भैया, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं जी? 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में स्वास्थ्य मंत्री, भारत में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। कितने पॉइंट हो गए? WHO की फुल फॉर्म होगी, WHO की स्थापना होगी, WHO के अध्यक्ष हो गया दौरगन, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, भारत में स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्लियर है जी? ठीक है।